हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों चुकंदर के पराठे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। चुकंदर के पराठा बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो सामग्री में मैं ली हूँ दोस्तों एक कटोरी, यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा लिया है, साथ में मैं यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, साथ में हल्दी पाउडर लिया है, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैं थोड़ा ऑयल ली हूँ बड़े चम्मच से 2 चम्मच, साथ में मैंने थोड़ा अजवाइन लिया है, और इधर मैंने 3 चुकंदर लिए हैं दोस्तों, इसको अच्छे से मैंने छील करके धो लिए हूँ, साथ में हरा धनिया और 2 हरी मिर्च ली हूँ मैं तीखी वाली, और अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन के कलियाँ, लहसुन के कलियाँ थोड़े मोटे हैं साइज के, तो यहाँ पर मैं 3 ली हूँ, और 1 प्याज। तो यहाँ पर मैं मिक्सर डाल ली दोस्तों, इसमें हम चुकंदर को काट करके और डाल देते, इसका फाइन पेस्ट हम पीस करके रेडी कर लेंगे। चुकंदर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया हम बाद में डालेंगे आटे में, यहाँ पर ये सब डाल के पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चुकंदर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को डाल दी हूँ काट के, अब इसका बंद करके और इसको हम पीस लेते हैं पानी। तो यहाँ पर मैंने चुकंदर को पीस लिया है दोस्तों, ये देखिए। तो हम चलते हैं आटा लगा लेते हैं। तो अब हम आटा लगा लेते हैं दोस्तों। तो इसी थाली में आटा लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं गेहूं का आटा इसमें डाल लेते हैं। ऑयल, रिफाइंड तेल ली हूँ मैं यहाँ पर, नमक, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली नहीं है, आपको तो मैंने मसाला दिखाया था दोस्तों, और ये अजवाइन है। तो अजवाइन को हम सबसे पहले हाथ में लेके और इसको दोनों हाथ से हल्का सा हम इस तरह से क्रश कर लेंगे, और यहाँ पर हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये चुकंदर का पेस्ट डाल देते हैं। तो अब इसको मैं हाथ से अच्छे से मिलाते हुए इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटा को यहाँ पर मैं सान ली दोस्तों, ये देखिए। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस जला दी हूँ दोस्तों और तवा रख दिया है गर्म होने के। तो यहाँ पर मैंने कटोरे में रिफाइंड तेल ले लिया है दोस्तों, और इधर देखिए हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, और इधर मैं चकला ले ली हूँ। तो अब चलते हैं रोटी को बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लो ली हूँ, और इधर साथ में मैंने सूखा आटा लिया है। तो पहले सूखा आटा में इसको हम डीप कर लेते हैं दोनों तरफ से, और इस तरह से चकला पर रख के हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। अब फिर हम इसके ऊपर से सूखा आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्क की आकार बना रही हूँ रोटी। तो इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है, और इधर मैंने पराठा भी बेल लिया है, ये देखिए। तो अब हम पका लेते हैं। तो एक साइड से पक गया है दोस्तों, ये देखिए कैसे फूल रहा है। तो हम इसको पलट देते हैं दूसरे साइड से भी अच्छे से पका। तो यहाँ पर मैं अब तेल लगा रही हूँ इसको। तो इधर हमारा ये पराठा अच्छे से पक गया है दोस्तों दोनों तरफ से। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं, और बाकी का इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो बाकी का हम इसी तरह से बना करके रेडी कर लेते हैं। तो मेरी पराठा बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। आप चाहे तो इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, या तो अचार के साथ, आपको जिसके साथ अच्छा लगता है आप उसके साथ खाएं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।